क्या लग रहा है जिस तरीके से सब लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम की लहर है, वोट मोदी को पड़ने वाला है, क्या लग रहा है? हम मोदी जी आएंगे, जिससे इनसे करो और बात, आप बताइए सर। मोदी जी का तो काम पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, उन्होंने काम किया है उसके लिए तो तैयार रहेंगे, हर पब्लिक वोट देंगे दिलाएंगे। क्यों आपको लगता है, आप तो काफी अनुभवी हैं, क्यों लगता है कि मोदी जी को आना चाहिए? मोदी जी देश के भविष्य हैं, इसलिए उनको आना चाहिए, और तो इनमें उनके सामने कोई है ही नहीं टक्कर में। राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके सामने, तो सब है ना, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अरविंद, कुछ भी नहीं है साहब उनके आगे। आज की तारीख में सबसे बेस्ट उम्मीदवार, सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री, इनको भी लगता है आज की तारीख में सबसे बेस्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको ही आना चाहिए। सर आप जयपुर के रहने वाले हैं, क्या है थोड़ा पीछे आइए, जयपुर का समीकरण क्या है? ज्यादातर लोगों से हम बात कर रहे हैं, सब मोदी मोदी कह रहे हैं, कैंडिडेट का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा, ये मतलब क्यों ऐसा है? सारे चुनाव भारत के जो भी है मोदी जी की छवि पर ही लड़े जा रहे हैं, क्योंकि आज मोदी जी ने देश ही नहीं विदेश तक में भारत का नाम इतना रोशन कर दिया है कि विश्व में भी कोई समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए मोदी जी की ओर देखा जाता है। कोई भी देश हो, आज महाशक्ति के, दो महाशक्तियों के बाद भी अगर याद किया जाता है किसी को, तो वो मोदी जी है जो भारत को एक महाशक्तियों के बराबर लेकर आ रहे हैं। कहीं भी समस्या हो, देश ही नहीं विदेश में भी समस्याएं होती है, तो लोग मोदी जी की ओर देखते हैं कि समस्या का समाधान मोदी जी ही कर सकते हैं। तो इसी तरह भारत में भी सभी समस्याओं के समाधान के लिए और एक अच्छी छवि भारत की देश में के बाहर भी रख सकें, उसके लिए लोग मोदी जी की ओर ही देख रहे हैं। क्या लगता है आपको पिछले 10 साल में कितनी समस्याओं का समाधान हुआ? सब कुछ एकदम से नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी काफी कुछ समस्याएं जो देश में थी, राम मंदिर की, 370 की, कानून व्यवस्थाओं की, ये सब समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक ढंग से मोदी जी ने किया है, और कहीं कोई मतलब ऐसी अनहोनी घटनाएं नहीं होने दी कि हमें लगे कि साहब इन घटनाओं को लेकर देश में किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं हो। मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? यही राम मंदिर होगा, विकास होगा, रोजगार होगा, 370 होगा, क्या होगा मुद्दे वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचकर डालेंगे? सभी प्रकार विकास का मुद्दा भी है, राम मंदिर का भी है, शांति व्यवस्थाओं का भी मुद्दा है, और देश का चौहों और विकास का मुद्दा मुख्य रहेगा, जो कि जिसको पटरी पर लाने के लिए मोदी जी बेसब्री से, मतलब 24 घंटे जिसे कहते हैं उसमें 18 घंटे देश के विकास के लिए ही काम कर रहे हैं वो, तो ये सबसे मेन मुद्दा होगा विकास का और शांतिपूर्ण व्यवस्था का। तो राजस्थान में जो वोट पड़ेंगे वो मोदी के नाम पर पड़ेंगे, कैंडिडेट देखकर पड़ेंगे, कैंडिडेट का काम देखकर पड़ेंगे, या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी का, दोनों का काम देखकर। अभी जो मुख्यमंत्री जी आए हैं वो भी बड़ी भगत अपने बहुत शांतिपूर्वक, और भजन लाल जी अच्छी तरह से व्यवस्था चला रहे हैं राजस्थान की, तो मोदी जी और भजन लाल जी के साथ साथ कैंडिडेट का काम भी देखा जाएगा, लेकिन कैंडिडेट का काम 10% रहता है, मेन छवि है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की, उसको देखकर वोट डाले जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।